Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to see one of their little question, which is based on your trigonometric substitution. हम ये trigonometric substitution के type में भी देख चुके हैं, a plus x upon a minus x dx. Particularly हमने देखा था whether a minus x by a plus x हो, ऐसे हमने अलग अलग चीजें देखी है, square minus x square, square plus x square. तो यहाँ पे हम prefer करेंगे x को लेना, x is equal to a, whether हम उसे tan square theta ले सकते हैं या x is equal to a cos 2 theta ले सकते हैं. हमारे पास दो रास्ते हैं और ये दोनों ले सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए. अगर मैं cos 2 थीटा ले रहा हूँ तो वन मेरी जो फॉर्मूला होती है पर्टिकुलरली 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, वो मुझे टेन स्क्वायर देता है. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके रोहित, तो ये आपको देता है टेन स्क्वायर थीटा. अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा लूंगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो मुझे मिलेगा cos 2 थीटा. बोलो यहाँ पे क्या लेना आपके लिए फायदेमंद होगा. What is your ultimate aim? Your aim is to remove this square root. वो square root तब दूर होगा जब आपको answer 10 square मिलेगा. Answer 10 square जब मिलेगा तब मिलेगा जब आप x equal to a cos 2 theta लोगे. Are you getting my point, everyone? हाँ या ना? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे square root नहीं होता, सिर्फ ये वाला form होता, then we could have used this, right? X equal to a tan square theta, या शायद directly भी हो जाता. So I is equal to, यहाँ पे integration करने के लिए let us take, let x is equal to a, cos 2 theta भी ले सकते हो या cos theta भी ले सकते हो, जो भी लो. Next step is to find its differential. dx is equal to a, cos 2 theta का differentiation आपका होगा minus sin 2 theta, 2 theta का वापस differentiation to d theta. So therefore dx is equal to minus 2a sin 2 theta d theta. हाँ, ये मैंने प्लस है, इधर ऊपर उल्टा इसलिए लिखा है कि ये जो हमने फॉर्मूला बुक में देखा था, फॉर्मूला के लिए ऊपर माइनस चाहिए. हा या ना, फॉर्मूला बनाने के लिए ऊपर माइनस चाहिए. फिर क्वेश्चन में अगर आपके पास प्लस वाला फॉर्म हो या माइनस वाला फॉर्म हो, बाकी तो जुगाड़ करना आप सब जानते ही हो. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ए माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में वो ए माइनस ए कॉस टू थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस ए कॉस टू थीटा हो जाएगा. dx आपका हो जाएगा माइनस टू ए साइन टू थीटा डी थीटा. चल, स्क्वायर रूट के अंदर a न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, जो पर्टिकुलरली आपका 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, राइट. जो अभी मैंने आपको समझाया, a कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए को आप इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो. यहाँ पे आपके पास है साइन टू थीटा डी थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर. कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मोड कोट होता है, बट मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में आप मोड को अवॉइड कर सकते हो. कॉट थीटा इंटू साइन टू थीटा को आप टू साइन थीटा कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए. सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 cos square theta. 2 cos square theta का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है आप उसे 1 plus cos 2 theta में कन्वर्ट करते हो. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा थीटा, cos 2 theta का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 theta by 2. इंटीग्रेशन में आंसर में c आता है तब हम माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस c रहेगा, प्लस c. सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या पहले माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करना चाहो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. थीटा और साइन टू थीटा की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. आपको कॉस टू थीटा पहले आप यहाँ से पता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो वहां से कॉस टू थीटा आपको मिलेगा, तो वहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. हाँ, एक्स बाई ए कॉस टू थीटा हमने लिया था, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा. सो दिस इज एक्स बाई ए, हियर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो साइन टू थीटा, वेदर आप अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर कर रहे हो या ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे ये मिलेगा. और थीटा को तो आप कॉस इनवर्स में लिख सकते हो, राइट. थीटा पहले आपको, टू थीटा आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए. थीटा के लिए वो टू आपका वहां पे डिवाइड हो जाएगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस वन बाई टू साइन टू थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी. टू बाहर ले सकते हो, राइट, बाहर ए मल्टीप्लाई में भी है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, माइनस साइन भी है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. सो माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस ये टू ए कैंसल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दिस क्लियर एवरी वन?
आसान है,